टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सानो विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर शैलेंद्र मोदी जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, उनके साथ हम लोग मौजूद हैं। आइए समझते हैं क्या समीकरण है यूपी इलेक्शंस में, यूपी मांगे जवाब में इनके तरफ से जो जनता की चाहत है वो क्या कहती है। नमस्कार जी। नमस्कार शैलेंद्र जी, क्या विशेष मुद्दे हैं इस बार आम आदमी पार्टी के, कैसे आप लोग अपने समीकरण को तेज मजबूत कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है, बेसिकली हम लोग है ना, यहाँ कोई जाति बरादरी और धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोगों ने एक मॉडल बना के दिया है पूरे हिंदुस्तान को, और उस मॉडल की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ना हो कि विश्व में भी लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर एक जो सबसे प्राइमरी हमारा मुद्दा है, वो सबसे पहले हमारा बिजली का मुद्दा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, 300 यूनिट बिजली खरीदेंगे। किसानों के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा जो और जो हमारा मुद्दा है, वो हम एजुकेशन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर है ना। इसके अलावा महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपये मुआवजे की राशि को किया है कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी उनको 1000 रुपये हम रोजगार के रूप में देंगे। इसके अलावा जो बेसिक चीज है, जो लोकतंत्र में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वास्तव में एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, उन सब मुद्दों को लेकर आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शैलेंद्र जी, महंगाई का मुद्दा आपने बताया, शिक्षा का मुद्दा बताया, बेरोजगारी का मुद्दा बताया। जब भी आम आदमी पार्टी की बात होती है, फ्री बीज का नाम आता है, और ये कहा जाता है कि फ्री की सरकार है, फ्री में सारी चीजें दे रहे हैं, इनका बजट पता नहीं कैसे होगा, इस पर मैं आपसे जरूर चर्चा चाहूंगा। जी हाँ, एक्चुअल में देखिए, ये लोग ये कहते हैं कि हम फ्री में चीजें लोगों को दे रहे हैं, परंतु फ्री में हम लोगों को चीजें नहीं दे रहे हैं। जो जनता की जो मेहनत की कमाई है, जो हम टैक्स के रूप में वसूलते हैं, उसको ही हम जनता को वापस दे रहे हैं। जब एक सांसद को, एक एमएलए को, जब हम बात करते हैं कि सांसद जी को कोठी मिलती है, रहने के लिए मकान मिलता है, और उनसे ये कहा जाता है कि भाई आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो मिल रही है उसके लिए जो उनको यूनिट मिलती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, परंतु ये सब चीजें है ना, यदि हम जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको फ्री में बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उनको ये लगता है कि जो चीजें हमको मिल रही है, मतलब एक जनप्रतिनिधि को, एक सांसद को, एक एमएलए को, वो जो चीजें फ्री में मिल रही है, वो चीजें जनता को यदि फ्री में मिलने लग जाए, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है कि ये सब चीजें हमसे छीनने वाली है। तो वास्तव में जो चीजें सरकार, जो वीआईपी लोग हैं, उनको देने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो चीजें सबको मिलनी चाहिए, है ना। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, है ना, कि हमने दिल्ली में जो एजुकेशन का जो हमारा बजट था वो 25% था, और उसी एजेंडे को हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि सवाल इस बात का है कि जब अच्छे स्कूल्स होते हैं या अच्छे अस्पताल होते हैं, तो वहां पर उनका एडमिशन इस बिहार पर नहीं होता है कि ये फलानी जाति का आदमी है या फलानी धर्म का आदमी है। यदि आपके स्वास्थ्य की आपको जरूरत होगी, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, है ना। और जब उस वक्त आपको आपका जो इलाज है, जो बेसिक जरूरत है आदमी की, वो आपको यदि फ्री में मिलने स्टार्ट हो जाता है, तो वास्तव में उस दिन संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, वो या कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, वास्तव में जब ही हमको लगता है कि ये सब चीजें साकार होने को जा रही है। एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं जब भी आम आदमी पार्टी की बात आती है, रेफरेंस देने की बात आती है, तो यूपी और दिल्ली का मॉडल बताया जाता है कि दिल्ली वाला ही मॉडल यूपी में भी लागू होगा जी। लेकिन दिल्ली में जो विपक्ष है वो ये कहते हैं कि अगर यूपी, मतलब दिल्ली में महिलाओं को अगर 1000 रुपये नहीं मिल रहा है, 5000 रुपये बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है, तो यूपी में किस लिए मिल रहा है? या फिर अगर आपकी सरकार अगर दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी आप उसका क्रियान्वयन करते? देखिए, ऐसा है, हर एक राज्य की जरूरत बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की जरूरत कुछ और है, उत्तर प्रदेश की जरूरत कुछ और है। तो जो हमारी पार्टी ने इसका कैलकुलेशन किया है, हम जहां जहां भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके उनके हिसाब से हम मुद्दों का चयन कर रहे हैं, और जो भी हमारा घोषणा पत्र या गारंटी कार्ड है, हम वहां की जरूरत के हिसाब से उस गारंटी कार्ड में उन चीजों को मेंशन करने जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि यहाँ बेरोजगारी की कितनी ज्यादा समस्या है। क्योंकि यदि हम सियाने की भी बात कर लें,
या बुलंदशहर के भी बात कर लें, स्पेशली मैं बुलंदशहर की बात करना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर की बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारी दो इंडस्ट्रीज थी जिसको हमने सिकंदराबाद और खुर्जा को डेवलप किया था। अब आप उनकी अभी 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 ग्राउंड लेवल पर यदि आप उनकी रिपोर्ट करना मालूम करना चाहेंगे तो आपको लगेगा सिकंदराबाद में जो हमारी औद्योगिक के रूप में जो एक पहचान बनने स्टार्ट हुई थी या खुर्जा में जो बहुत बड़ी पहचान थी खुर्जा की, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो बेसिकली जो जरूरत है आर्थिक, जो हमारे एक एक तरह से हम माने कि एक आदमी की जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो ये जो हम चीजें लेके चले हैं कि हम 1000 रुपए 18 साल की महिलाओं को देने जा रहेंगे, तो उसके पीछे भी रीजन इस बात का है कि यदि हम आर्थिक रूप से उनको 1000 रुपए की मदद करेंगे जिससे कि परिवार का जो बेसिक जरूरत है उनकी कहीं ना कहीं हम पूर्ति कर पाए। मेरा एक प्रश्न और रहेगा आपसे, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हम जैसे ये माना जाता है कि अगर किसी को फ्री में कुछ चीजें दे दी जाए तो वो उसकी स्थिति और बर्बाद हो जाती है, वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इस पर परिभाषा में आप क्या करें, मतलब एक कहावत है कि अगर आपको किसी का पेट भरना है तो उसके हाथ में मछली का कांटा दीजिए ना कि मछली उसको हाथ में दे दीजिए, क्योंकि मछली आप दे देंगे तो फिर वो मछली पकड़ने की कला भूल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम कोई भी चीज किसी को फ्री में नहीं दे रहे हैं, है ना, हम कोई भी चीज किसी को फ्री में नहीं दे रहे। जनता की जो गाड़ी कमाई का जो टैक्स है उसको हम बहुत ईमानदारी से उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसमें से जो पैसे की बचत हो रही है उस पैसे के बदले हम जनता को ही लौटा के उसको वापस कर रहे हैं। तो कोई चीज हम फ्री में नहीं दे रहे। ये बात तो आपने पहले ही आपने मुझे क्लियर कर दिया था कि आप फ्री में नहीं दे रहे हैं, जो जनता की चीज है जो जनप्रतिनिधि को मिलता था वो आम आदमी के ऊपर भी मिलना सुलभ हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था सैलेंड जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक भूखा आदमी है आप उसको काटा थमा दीजिए ताकि वो मछली पकड़ना सीख जाए, उसको रोजगार सुलभ करेंगे कि कैसे रोजगार करना है, या फिर आप उसको फ्री की चीजें दे दीजिए ताकि वो आगे कुछ पकड़ ही ना सके। इसी के अंदर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, यदि हम किसी व्यक्ति को एजुकेशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो हम फ्री में नहीं दे रहे वो सब चीजें। एजुकेशन के बाद उसको आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जाएगा और सामाजिक रूप से भी उसको मजबूत किया जाएगा। तो नेचुरल सी बात यह है कि हम उसको ये आदत नहीं डलवा रहे कि आप उसको फ्री में लीजिए, हम उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, उसके सामाजिक जो उसके परिवेश है उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो आर्थिक रूप से और एजुकेशन के रूप से वो समृद्ध हो। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो स्कूल्स हम लोगों ने बनाए हैं वो स्कूल्स की वर्ल्ड क्लास स्कूल है, उसकी जो सराहना हो रही है वो विदेशों में भी हो रही है, और जो दिल्ली का जो रिजल्ट आया है वो 98% आया है। तो ये आपको ताज्जुब की बात होगी कि जो इस बार जो हमारी सरकारी स्कूल में उसमें जो एडमिशन देने वालों की संख्या वो 2 लाख से भी ज्यादा है इस बार, है ना। तो आपको इस बात के लिए आश्चर्य होगा। तो यदि हम इन लोगों को पढ़ाने की बात करेंगे, है ना, हम अपनी जनता से कहेंगे कि भाई आप पढ़िए, तो पढ़ने के लिए आपको सुलभ हमने चीजें यहाँ प्रोवाइड करवाई है, तो फिर नेचुरल सी बात है तो उनकी आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगी। जहां तक रोजगार की बात है तो हमारी सरकार कह रही है कि हम रोजगार पे बहुत जल्द मतलब बहुत बेहतरीन यहाँ काम करके दिखाएंगे। जैसे स्किल्स डेवलपमेंट हमने दिल्ली में करके दिखाया है, वहां पर हम जो एजुकेशन का हमारा स्टैंडर्ड है वो हमारा डिफरेंट एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जिस स्टूडेंट्स का जो स्किल है मतलब किस काम के लिए वो इंटरेस्टेड है उसकी हम उसको उस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं और उसको हम निखार रहे हैं उस चीज को। जी मेरा क्वेश्चन और थोड़ा सा और गंभीर हम लोग चर्चा चलाते हैं, इसमें मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो दो खेमे में चीजें पड़ जाती है, एक नौकरी की बात होती है और एक उद्योग की बात होती है। तो हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो नौकरी से रिलेटेड हमारा ज्यादा एस्टिमेशन जाता है, उद्योग की बातें कम चली जाती है। आप किस तरफ फोकस करेंगे, उद्योग की तरफ फोकस करेंगे या फिर नौकरी या सर्विसेज की तरफ फोकस करेंगे? देखिए हमारा दोनों मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो स्किल को लेकर काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी हमने इसी काम को किया है।
हमारा हमारा कहना ये है कि हम जो जो एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसको स्किल की तरफ लेके आएंगे, मतलब हम उनको बच्चों को इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि वो रोजगार की समस्या ही ना हो, रोजगार की समस्या ही क्रिएट ना हो, उद्योग धंधे लगेंगे। यदि कोई आप स्किल आप उसको जानते हैं करना जानते हैं तो नेचुरल सी बात है आपको रोजगार भी मिलेगा उसके लिए। बाकी रही इंडस्ट्रीज की बात, बाकी रही रोजगार की बात, नौकरी की बात, तो हम उस पर हम लोग तो कई बार कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी निकालती है उसका क्रियान्वयन नहीं करती है, उसको हाईकोर्ट में कहीं रिट मूव करा दी, इसके अलावा जो उनका रिजल्ट आता है उसमें कोई घपलेबाजी करा दी, या इसके अलावा जो उनके मतलब जो उनका एग्जाम होता है वो पटापटी वो आउट हो गया और वो छः छः सात साल महीने या छः छः साल उसी चक्कर में पड़ता उलटता जाता है। और जो जो एक तरह से बच्चों को जो रोजगार मिलना चाहिए, हमारे यहाँ रोजगार की कमी कोई है पर नीयत नहीं है हम लोगों की देने की। गवर्नमेंट को लगता है कि हम अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो अभी आप क्योंकि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए आपको संविदा कर्मी मिलेंगे सारे, है ना, संविदा कर्मी करेंगे। आप प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद सरकारी स्कूल में जाइए वहां पर भी जितने भी आपको टीचर पढ़ेंगे पता पड़ेगी संविदा पर है। आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग में चले जाइए आपको पता पड़ेगी कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सारे संविदा कर्मी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए पता पड़ी कि जो भी आपको डॉक्टर्स वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो सारे संविदा कर्मी हैं। और आप कमाल की बात ये है जब उनकी आप तनख्वाह के बारे में मालूम करेंगे तो मात्र 14,000 रुपए से स्टार्ट उनकी तनख्वाह है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनकी तनख्वाह वो देते हैं और जब उनका मन आता है उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल नीयत का है। हमारे पास जो अभी दिल्ली में भी तो ऐसा ही हाल था, दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे वहां पर हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, आपको पता आपकी जानकारी में होगा ठीक है, वहां पर हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है। वो सारे जो कानून में प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो संविधान में जिस चीज का प्रोविजन यहाँ भी लागू करेंगे उन सब चीजों। मेरा प्रश्न आप छोटा सा और जो मैं आपसे जानकारी लूंगा, मैं आपसे पूछना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि आपने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया है। अभी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो है आपके दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के अगेंस्ट में एजिटेशन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, पिछले 5 सालों से उनकी मांग है कि उनकी भी सैलरी जो है 20-25,000 के बीच में रखी जाए, उनका जो वेतन है उस वेतनमान को बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया। तो क्या इस मुद्दे को भी आप लोग जो आंगनबाड़ी वाला इशू है ये इशू एक्चुअली में केंद्र सरकार का इशू है, इसको केंद्र सरकार तय करेगी। यदि केंद्र सरकार इसको तय कर दे तो इनको परमानेंट कर दे तो नेचुरल सी बात है यदि केंद्र सरकार किसी चीज को कहती है और कहने के बाद कहती है राज्य सरकार इसको लागू करे तो राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा, उसमें कोई बात भी नहीं है। अच्छा सालेंद्र जी बस जाते जाते आपसे ये पूछूंगा कि 403 सीट में से कितने सीट आपके खाते में। देखिए जहां तक सवाल ये है कि हम 403 पर कितने सीट को जीतने जा रहे हैं तो इसके लिए हमको जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है। मैं 403 सीट की बात लगा के पूरे बुलंदशहर की बात करता हूँ तो बुलंदशहर में जो हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं सतवीर जी यहाँ से लड़ रहे हैं कैंडिडेट, मुझे रोज उनके बारे में डिटेल मिलती है, मैं भी यहाँ कई बार उनके प्रचार प्रसार में आ चुका हूँ ठीक है ना। आपके हरिंदर सिंह हमारे अनूपशहर से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी मेरे साथी मेरे साथ आए थे वो उसी क्षेत्र के थे, 15 दिन में चुनाव को बिल्कुल उन्होंने उलट दिया है, बिल्कुल कंटेस्टेड कर रहे हैं। इसके बाद बुलंदशहर में विकास शर्मा का पूरे जनपद में उनका नाम हो रहा है क्योंकि वहां दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से यूनिस लड़ रहे हैं, यूनिस इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री सीट है, यदि वो विधायक बन गए तो उनके पीछे गन्नर उनको सेवा मिले वो मिल जाएगा है ना। इसके अलावा जो प्रदीप चौधरी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और उनको 6 महीने भ्रष्टाचार का आरोप लगा, भ्रष्टाचार की उनको जांच हो रही थी इस वजह से उनको जिला पंचायत पद से हटा दिया और इसके बाद उनको एमएलए का टिकट दे दिया। इसके बाद खुर्जा से हमारे जयदेव निरंकारी बहुत मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज शर्मा अभी जिन पर आज हमला हुआ है उन्होंने दांत खट्टे कर रखे हैं डीवाई में। इसके बाद सिकंदराबाद से हमारी एक महिला साथी दर्शन शर्मा चुनाव लड़ रही हैं। तो जहां तक 7 सीटों का सवाल है शिकारपुर वाले आशुघोष ने आपने खुद ही उनका इंटरव्यू आप लेके आए थे तो सवाल इस बात का है कि 7 सीटों पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब इतना जनता का हम लोगों को प्यार मिल रहा है, जितने भी गाँव में या जितने भी घरों में हम लोग गए हैं एक भी घर ने हमको ये नहीं कहा है कि आपकी सरकार दिल्ली में अच्छा काम नहीं कर रही। और हम तो कहते हैं
कि आप दिल्ली में जो कोई भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप पूछ लीजिए, यदि वो ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है तो आप बिल्कुल हमको वोट मत दीजिए। तो अब बात रिजल्ट की है, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हमारे सातों कैंडिडेट्स बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग डिक्लेरेशन जिस दिन होगा आपको उस दिन ये खुशी हम आपको देंगे कि हम सात में से कम 6 सीट बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। सात में से 6 सीट आप निकाल रहे हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, आपने हमारे आंसर्स दिए, लेकिन मैं एक प्रश्न और पूछ लूँगा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है यूपी में तो कौन सीएम का चेहरा होगा? देखिए ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है, मैं बुलंदशहर का जिलाध्यक्ष हूँ तो इस नाते ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना मेरा उचित भी नहीं बनता है, क्योंकि हमारे ऊपर माननीय अरविंद केजरीवाल जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री संजय सिंह हैं, इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे हमारे सीनियर्स लीडर्स काम करते हैं, उन्हीं को तय करना है। अभी आपने देखा कि पंजाब में माननीय अरविंद केजरीवाल ने जनता की राय ली उसके लिए, और जब जनता की राय लेने के बाद जनता ने राय दिया कि भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित किया जाए, इसके बाद उन्होंने सीएम चेहरा घोषित किया, तो ये सब चीज़ें वो तय करेंगे, और जो तय करेंगे बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन चेहरा आपके सामने आएगा सीएम का। हमारे साथ मौजूद थे शैलेंद्र लोधी जी जो कि जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने बताया कि विकास के कार्य जो दिल्ली में किए गए हैं उसी तर्ज पे यूपी को भी तराशा जाएगा, और उन्होंने साथ में ये भी गारंटी किया कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से करीब 7 सीटों में से 6 सीट जो है सो आम आदमी पार्टी की आ सकती है। मैं जनमीडिया टीवी से अपने साथी हमवीर सिंह चौहान के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।